सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आज क्या क्या खबर दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए आज सबसे बड़ी खबर ये है कि जो कमलनाथ के करीबी हैं सैयद जफर, वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चार सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है वैसे कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं आखिर वहां क्यों कहा जाए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की जहां जहां न्याय यात्रा गई है वहां पर कहा जाए न्याय यात्रा के साथ अन्याय हुआ है और भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस तोड़ो वाला काम हुआ है। इसी के साथ उन्होंने सोनिया गांधी से भी बड़ा सवाल पूछा है कि वह जनता के बीच में क्यों नहीं आ रही है, क्यों इलेक्शन में नहीं आ रही है, क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है। इसी के साथ में उन्होंने और भी ऐसे कई सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनका आज आरक्षित किया गया है समय और वह सीएम हाउस में दिन भर रहेंगे, हालांकि जो उनके करीबी रहेंगे और राजनीतिक बैठकें भी करते रहेंगे। इधर बीजेपी कार्यालय में आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। वही कांग्रेस में कहा जाए कि कांग्रेस की आज बैठक है और बैठक के बाद में जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के 18 सीटों के नाम आना है वो नाम घोषित होंगे, लेकिन इसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ा झटका दे सकती है। इसी के साथ में जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम आएंगे वो करीबन 4 से 5 जगह चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस के आज नेताओं की भी बैठक है एमपी में, लेकिन वो ऑनलाइन बैठक रहेगी और उसमें कई नेता जुड़ेंगे, उसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कहा जाए कि जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि राजनीतिक उठापटक बहुत तेजी से चल रही है और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा है, जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, वैसे ही विशेष तौर से बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का ताकत लगाना अब शुरू कर दिया है। इधर माना जा रहा है, हालांकि प्लान बनाए जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में कैंपियन होगी वो कैंपियन के लिए अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ में आपको बता दें राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता मध्य प्रदेश में चुनावी सभा करेंगे और रोड शो भी करेंगे। इधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस ने भी बड़े प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं और माना जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां के सीएम मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे, इसी के साथ में रोड शो भी करेंगे। इसी के साथ में जो कांग्रेस से अगर कहें कि दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, जीतू पटवारी है, इनके भी लगातार दौरे होंगे और लगातार ये सभाओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां कहा जाए कि चुनावी मूड में रन चुकी है और एक दूसरे पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कहा था, हालांकि आज भी उन्होंने बोला है कि हर रोज वह कांग्रेस से 4 सवाल पूछेंगे और उन्होंने ये बताया है कि 10 से 11 बजे के बीच में वह हर रोज 4 सवाल पूछेंगे, उन 4 सवालों का जवाब कांग्रेस को देना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा से ये कहा जाए प्लान तैयार किया है, इसके पहले भी कहा जाए शिवराज जी कांग्रेस से सवाल पूछते थे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल पूछते थे, मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी सवाल पूछते थे, लेकिन अभी बीच में कुछ समय के लिए कहा जाए कि ये सवाल का जो सिलसिला था शिवराज जी का वह रुक गया था, लेकिन अब कल से और आज से उन्होंने ये सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है और हर रोज अब वह 4 सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, उन 4 सवालों के कांग्रेस को जवाब देना होंगे, ऐसा उनका कहना है। और उनका ये कहना है ये सवाल मेरे नहीं है, जनता के सवाल है, जनता से जुड़े हुए सवाल है, इन सवालों को लेकर के हम कांग्रेस के बड़े जो लीडर हैं या फिर यूं कहें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, इनसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। जी जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।